कंगना रनौत की मुश्किलें अब दुगनी। ऋतिक रोशन की कैंपेन को CIU को ट्रांसफर होने की खबर के बाद अब एक और शॉकिंग न्यूज आई सामने। शिवसेना लीडर ने भेजा कंगना को लीगल नोटिस। आखिर क्या है मामला, आइए जानते हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत की मुश्किलों में इजाफा होने जा रहा है। शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने कंगना के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया है। सरनाईक का कहना है कि अभिनेत्री ने उन पर झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि प्रभावित करने का प्रयास किया था, इसलिए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को कंगना के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस देकर कार्रवाई की मांग की है। कंगना पहले से ही अपने बयानों को लेकर महाराष्ट्र सरकार के निशाने पर चल रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच का सामना कर रहे सरनाईक को लेकर कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया था। अपने ट्वीट में उन्होंने सरनाईक के घर से पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड मिलने की बात कही थी। दरअसल एक यूजर ने कंगना को टैग कर ये कहा था कि कंगना सही थी, सरनाईक के घर से पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड मिला था। इसके जवाब में कंगना ने क्या लिखा, देखे वो ट्वीट। इसी को लेकर अब शिवसेना नेता ने अभिनेत्री के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया है। विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले की मंजूरी के बाद कंगना को विधानसभा में हाजिर होकर स्पष्टीकरण देना पड़ सकता है। शिवसेना विधायक ने कहा कि जांच एजेंसी द्वारा उनके आवास पर छापेमारी के दौरान पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड मिलने की कथित ट्वीट के लिए उन्होंने ये नोटिस दिया है। उन्होंने आगे कहा कि झूठी खबरों के जरिए मुझे बदनाम किया गया, मेरा परिवार और मैं ईडी की जांच में सहयोग कर रहे हैं। सरनाईक ने आरोप लगाया कि रनौत के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया उनके खिलाफ फर्जी खबरें फैलाई जा रही है। पीओ के संबंधी टिप्पणी को लेकर रनौत और सरनाईक के बीच तकरार की शुरुआत हुई थी और तब से विवाद बस बढ़ता ही जा रहा है। आपका क्या कहना है इस बारे में, हमें कमेंट कर बताना ना भूलें। ऑल्सो डू लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।